हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आज भी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने दो पुलिस कर्मियों को 100 पेड़ लगाने का आदेश दिया क्योंकि उन्होंने किसी वकील के साथ बहस की थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नजमी बजीरी ने दो पुलिस ऑफिसर को 100 फल देने वाले पेड़ लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को पेड़ की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए ये आदेश दिए हैं। इस मामले में न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि फरवरी 2021 में उसके और एडिशनल SHO और SHO के बीच में बहस हुई थी। तब जब लोधी कॉलोनी में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो काम एक सरकारी काम था और उसकी वजह से पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वो वकील उसकी प्रोटेक्शन करना चाहते थे, लेकिन SHO ने कहा कि ये गवर्नमेंट एजेंसी का काम है तो वो इसमें किसी भी तरह की दखल नहीं दे सकते और उस गवर्नमेंट एजेंसी को ऐसा करने के लिए ऑथराइज भी किया गया होगा। कोर्ट में पुलिस की तरफ से पेश हुए सरकारी वकीलों ने कहा कि पुलिस ऑफिसर उस टाइम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनके मन में किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं थी और उन्होंने बाद में वकीलों से माफ़ी भी मांग ली थी। एमिकस क्यूरी ने कहा कि माफ़ी को देखते हुए मामले को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर पर कुछ सामाजिक काम डालना चाहिए, जैसे कि समाज के लिए पेड़ लगाना, तो अब उन्हें समाज के लिए 100 पेड़ लगाने होंगे। एक वकील जो कोर्ट का ऑफिसर होता है उससे बहस करना बहुत ही गलत था। पुलिस ऑफिसर को एक वकील से जो कि कोर्ट का ऑफिसर होता है उससे बहस नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए वकीलों और जागरूक नागरिकों से बहस करने से बचने के लिए दिल्ली पुलिस को इस आदेश को कॉन्स्टेबल लेवल तक सर्कुलेट करना होगा, ताकि पुलिस ऑफिसर पेड़ों की रक्षा करें और अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं। इस आदेश के बाद दोनों पुलिस ऑफिसर्स को दिल्ली किंग्सवे कैंप पुलिस परेड ग्राउंड में वृक्षारोपण अभियान चलाकर 100 फल देने वाले पेड़ों को लगाने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के बारे में। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।